नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग में और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। दोस्तों, स्मोकिंग करना सेहत के लिए कई तरीकों से हानिकारक होता है। इससे फेफड़ों के साथ साथ हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है। स्मोकिंग करने की आदत फेफड़ों को कमजोर बनाने के साथ ही साथ फेफड़ों का कैंसर का भी कारण बनती है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्मोकिंग छोड़ने से डायबिटीज पर 30-40% तक नियंत्रण लग सकता है। 30-40% तक कम होता है डायबिटीज का खतरा। जी हाँ दोस्तों, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोकिंग की आदत छोड़ने पर डायबिटीज का खतरा जो है वो 30-40% तक कम हो सकता है। दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज एक क्रॉनिक डिजीज है जिसके मामले 95% तक सामने आते हैं। WHO के मुताबिक डायबिटीज को बढ़ाने में स्मोकिंग का एक बड़ा हाथ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि स्मोकिंग से कैसे बढ़ता है डायबिटीज का खतरा। WHO के मुताबिक स्मोकिंग करने से ब्लड शुगर नियंत्रण करने की क्षमता जो है वो प्रभावित होती है, जो टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ाती है। दरअसल निकोटीन शरीर में मौजूद सेल्स को प्रतिक्रिया को कम कर देती है जिससे डायबिटीज बढ़ जाती है। इसमें मिलने वाली केमिकल सेल्स में सूजन पैदा कर सकती हैं जिससे इंसुलिन की प्रतिक्रिया बंद हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि स्मोकिंग छोड़ने के क्या क्या फायदे होते हैं, बारी बारी जानेंगे। स्मोकिंग छोड़ने से कुछ समय बाद से ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बदलाव होने लगता है जिससे हार्ट अटैक का खतरा जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ने से शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो तेज होता है। इस आदत को कम करने या छोड़ने से शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। स्मोकिंग छोड़ने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और सांस लेने की प्रक्रिया में भी सुधार होता है। ऐसा करने से आपको घबराहट और चिड़चिड़ापन होने जैसी समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और हेल्थी टिप्स के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।